चीन आए दिन भारत के नक्शे से खिलवाड़ करके कभी तिब्बत और लद्दाख को चीन का हिस्सा बता देता है और कभी पीओके को पाकिस्तान का। लेकिन अब भारत सरकार ने भी जैसा करोगे वैसा जवाब मिलेगा वाली नीति अपना ली है। भारत के पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवाने ने चीन का एक नक्शा अपने ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसमें साफ दिख रहा है कि चीन का कब्जाया हुआ भाग उसके ओरिजिनल भूभाग से कई गुना ज्यादा है। कैसे, जरा ध्यान से देखिए इस नक्शे को। ये येलो वाला भाग चाइना ऑक्यूपाइड ईस्ट तुर्कमेनिस्तान है, जहां आए दिन उइगर मुसलमानों पर अत्याचार किए जाते हैं। ये लाइट ब्लू कलर वाला एरिया चीन ऑक्यूपाइड तिब्बत है, जिसे हमारे चाचा नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई करते करते चीन को दे दिया था। डार्क ब्लू कलर वाला भाग चीन ऑक्यूपाइड साउथ मंगोलिया है और डार्क ग्रीन कलर वाला भाग चीन का कब्जा किया हुआ मंचूरिया है। लाइट ग्रीन वाला है चीन का कब्जाया हुआ यूनान और ये छोटा सा पर्पल कलर वाला भाग हांगकांग है, जिसे चीन अपना बताता है। अब सिर्फ बाकी बचा हुआ लाल रंग का भाग ही चीन है और यही चीन की सच्चाई है। आखिर कनाडा के पीएम ट्रूडो खालिस्तानियों का साथ दे क्यों रहे हैं? कहीं जस्टिन ट्रूडो अपने पिता पियरे ट्रूडो की गलती दोहरा तो नहीं रहे? दरअसल कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ही नहीं बल्कि उनके पिता पियरे ट्रूडो ने भी खालिस्तान को समर्थन देके भारत विरोधी काम किया था। साल 1982 में जब भारत सरकार ने कनाडा से खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर परमार को भारत को सौंपने की मांग की थी, तो तब के कनाडा के पीएम पियरे ट्रूडो ने साफ मना कर दिया था। तब इसी तलविंदर परमार ने साल 1985 में एयर इंडिया के एक प्लेन में बॉम्ब रख दिया था, जिसके धमाके से 329 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें से 268 लोग तो कनाडा के नागरिक थे। लेकिन फिर भी कनाडा के पीएम को अकल नहीं आई थी और उनका बेटा आज भी सिर्फ सत्ता के लालच में वही गलती दोहरा रहा है, जिसका खामियाजा आज नहीं तो कल कनाडा के लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को सत्ता में रहने के लिए खालिस्तानी लीडर्स के सपोर्ट की जरूरत है, इसीलिए जस्टिन ट्रूडो इन सिख वोटर्स को खुश करने के लिए खालिस्तानी आतंकवादियों की पैरवी करते रहते हैं। एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने सवाल पूछा कि मैं आपको पसंद करता हूं और मैं आपको प्यार करता हूं, इन दोनों में क्या फर्क है? तो भगवान बुद्ध ने एक फूल का एग्जाम्पल देते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी फूल को पसंद करते हो तो उसे आप तोड़ने की कोशिश करोगे और अपने पास रखने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर आप फूल से प्यार करते हो तो आप कभी भी उसे तोड़ोगे नहीं, बल्कि उसका ख्याल रखोगे, उसे पानी दोगे और उसे ग्रो करने में मदद करोगे। यही फर्क होता है पसंद करने में और प्यार करने में। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और आपने इससे क्या सीखा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके शरीर के लिए कौन सी हैबिट सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप में से बहुत सारे लोग कहें मेडिटेशन, मे बी वर्कआउट या जिमिंग, लेकिन साइंस कुछ और कहता है। साइंस के हिसाब से दौड़ना यानी कि रनिंग सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक हैबिट है। साइंस ये कहती है कि आप जितना ज़्यादा रनिंग करते हैं, रनिंग उससे 3 गुना ज़्यादा आपको देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 घंटा रनिंग करते हैं तो आपकी लाइफ 3 घंटे तक यानी कि 3 आवर्स तक बढ़ जाएगी। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। और इसी के विपरीत अगर आप सिगरेट पीने के आदि हैं तो 1 सिगरेट आपकी लाइफ के 11 मिनट कम कर देती है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइफ में ज़्यादा जीना चाहते हैं या कम, ये चॉइस आपका है। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।